हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, हमारे पास पुराने कपड़े तो बहुत सारे पड़े होते ही हैं और जो लोग सिलते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, उनके पास ऐसे कतरन तो बहुत सारे पड़े होते हैं ना। तो इनमें से मैं कुछ कुछ कपड़े हैं ना जो भी बड़े होते हैं मैं रख देती हूँ, और जो छोटा कपड़ा होता है उसका मैं कुछ ना कुछ रीयूज़ कर देती हूँ, बड़े कपड़े का कुछ और ज़्यादा अच्छा वाला चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर से मुझे एक वेलवेट का कपड़ा मिल गया है, साथ में एक लाइनिंग भी मिल गई है। आज मैं इसी का रीयूज़ करूँगी। तो पहले लाइनिंग को कर लूँगी थोड़ा सा आयरन, क्योंकि ये ना सिकुड़ गया है, रख दिए थे ना बहुत दिन पहले, इसलिए थोड़ा सिकुड़ गया है। यहाँ से एक राइस बोरी मैं उठा लूँगी, ये भी मेरे काम की चीज़ है, मतलब मैं ये सारा चीज़ रख लेती हूँ। तो पहले मैंने लाइनिंग को बिछा ली है, साइड से एक मार्क कर ले रही हूँ। तो मार्क करके कर लूँगी इसकी साइड की कटिंग, और इसका अब मेजरमेंट ले रही हूँ मैं। लंबाई है 18.5 इंच और वेट है इसका 13.5 इंच। तो इसको मैं मार्क करके चारों तरफ से, और इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। देखो, तो ये देखो, ये लाइनिंग का टुकड़ा बन गया है। अब जो है ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक जो है थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, क्योंकि मैं ये कतरन से बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसको जोड़ जोड़ के बना रही हूँ। तो मैंने जोड़ के मैं ले आई हूँ। अब देखो, ये लाइनिंग के साइज़ पे आ गया है। अब इसी के साइज़ का मैं इस राइस बोरी को भी कटिंग कर लूँगी। तो देखो, राइस बोरी को भी मैंने कटिंग कर ली है। अब पहले बिछा लूँगी इस लाइनिंग को, उसके ऊपर राइस का जो बोरी मैंने काटा था उसको, इसके ऊपर हम रखेंगे इस वेलवेट के क्लॉथ को। अब हम इसको ना चारों तरफ से सिल लेंगे, और इसके बीच से भी सिल लेंगे, दो दो इंच की दूरी पे ना हमको सिलना है। ये देखिए, मैं सिलकर भी लेकर आ गई हूँ, जॉइंट मैंने कर ली है, और उसके बाद मैं दो दो इंच पर भी मैंने मतलब सिल ली है। तो ये अच्छे से बैठ गया है। अब हम इसके ऊपर एक जिप रखेंगे, सीधा वाला भाग हम नीचे की तरफ रखेंगे, और इसके ऊपर से लगा देंगे एक सिलाई। तो देखो, मैंने सिल भी ली है, और ऐसे करके वापस इसको ना मोड़ के इसके ऊपर से हम एक और सिलाई भी लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना दिखे। तो देखो, मैंने ये भी सिल ली है। अब जो ये दूसरा वाला भाग है, इसको भी हम सिल लेंगे, ऐसे कपड़े को उल्टा कर लेंगे। और आप चाहो ना इसका जिप का जो वो है ना, वो उसको भी निकाल सकते हो, फिर उसको डालने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसको भी ऐसे ही पहले ऊपर सिल लेना है, उसके बाद में क्लॉथ को थोड़ा फोल्ड करके सिलना है। तो देखो, मैंने सिल ली है। अब जो है इसका जो मिडिल पॉइंट है ना, यहाँ पर हम लगा देंगे एक कटिंग दोनों तरफ। तो देखो, मैंने कटिंग लगा दी है। यहाँ पर जो है उसी के मैचिंग का मैंने एक क्लॉथ और ले ली है। आप चाहो ना वही कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो, वो कपड़ा तो बचा नहीं, इसलिए मैंने दूसरा क्लॉथ ले लिया है। इसको मैं मिडिल से काट ले रही हूँ। इसकी लंबाई हम लेंगे 18 इंच और इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो दोनों पर मैं पहले मार्क लगा रही हूँ, उसके बाद कटिंग। अब हम एक बार पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, दूसरी बार फोल्ड कर लेंगे, और इसके ऊपर से लगा देंगे एक सिलाई। ऐसे हम दोनों को कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने दो को सिल कर लेकर आ गई हूँ। अब जो ये मैंने बनाया है, इसका जो मिडिल पॉइंट है, मतलब इसकी जो लंबाई है ना, उसका मिडिल में जो भी पॉइंट है, वहाँ से हम नीचे की तरफ करेंगे दो इंच, और दो इंच पर इस तरफ दो इंच पर मार्क करेंगे, और उस तरफ भी दो इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखो, मैंने कर ली है मार्किंग। तो ऐसे ही दोनों साइड हम करेंगे। तो दोनों को मैंने ऐसे फोल्ड किया, और उसका जो है ना छाप आ जाती है ना, तो उसी से मैंने कर ली है। ये जो बेल्ट है, इसको हम ऐसे सिल देंगे, ऊपर की तरफ मोड़ते हुए सिलेंगे। तो ये देखो, मैं सिल रही हूँ। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हम दूसरे की साइड भी हम लगा देंगे, और ये मेरा सिल भी गया है। देखो, दोनों साइड हमने बेल्ट को लगा दी है। अब ये जो चेन है, चेन में जो धागा वागा जो भी एक्स्ट्रा होता है, उसको हम काट देंगे, क्योंकि अगर थ्रेड होगा तो चेन लगाने में प्रॉब्लम होगी, फिर आपका चेन भी फेल हो जाएगा। तो बेल्ट को हम कर देंगे अंदर की तरफ, चेन को हम बंद कर देंगे, और उसको ऐसे करके ना, जो हम मिडिल हमने कटिंग करी थी, तो उसी मिडिल पर हम चेन को सीधा रखते हुए दोनों तरफ हम लगा देंगे सिलाई। तो ये देखिए, सिलकर मैं लेकर आ गई हूँ, सिल लिए हमने। अब जो एक्स्ट्रा वाला है जिप का पार्ट, उसको हम कटिंग कर देंगे। अब हम दो लाइनिंग का टुकड़ा ले लिए हैं, दोनों तरफ हम ऐसे करके स्ट्रिप लगा लेंगे।
अब हम नीचे की तरफ से लेंगे 1.5 इंच और साइड से भी लेंगे 1.5 इंच, ऐसे करके हम मार्क करके और इसका बना देंगे एक स्क्वायर शेप। तो ऐसे ही स्क्वायर हमको चारों तरफ बना लेना है। तो ये देखो मैंने चारों तरफ बना ली है, अब हम लगा देंगे इस पे कटिंग। तो देखो मैंने काट भी ली है। हम क्या करेंगे अभी, जो ये जो हमने कटिंग करी है ना उसको ऐसे रखना है और इस पर लगा देनी है एक सिलाई, चारों को ऐसे ही करके सिल लेना है। देखो अभी क्या करना है, इसको ना थोड़ा ऐसा पकड़ना है, जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना उस पर हमको मार्क करके और उसी पर हमको लगानी है सिलाई। तो ये देखो मैंने सिल ली है और अब हम जिप को खोल कर इसको कर लेंगे सीधा। तो ये सीधा हो गया है हमारा, कितना प्यारा सा एक बैग बनके हो गया है तैयार। हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं मैचिंग साड़ी के साथ, यहाँ पर हम कहीं पे जाए ना तो हमारे मेकअप का हो या बहुत सारा चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं। तो देखो मैं कितनी सारी चीज़ डाल रही हूँ और बहुत सारी जगह अभी भी खाली हुई है। तो आपको मेरा बैग कैसा लगा कतरन से बना हुआ? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे